खबर यूपी के इटावा थाना इलाके लवेदी क्षेत्र जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2000 लीटर हरियाणा निर्मित शराब जब्त की है। पकड़ी गई शराब की अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि शराब आगरा से भरकर मुजफ्फरपुर जा रही थी। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वे पहले भी एक आगरा से मुजफ्फरपुर शराब की खेप ले जा चुके हैं। पुलिस को चकमा देने के लिए शराब भरे डंपर की रॉयल्टी क्रॉकरी की काटी गई थी। लवेदी पुलिस को और एसओजी सर्विलांस की टीम को एक टिप ऑफ मिलता है देर रात में जो है, और उस पर हमारी जो टीम है सक्रिय होती है तथा तो जब जाके देखती है तो वहाँ पर शराब जो है उतर रही थी, और उस पर जब हमारी पुलिस ने उसे पूछताछ किया तो उसमें से चार लोग पकड़े जाते हैं और उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि ये जो शराब है एक नदवा कला खुर्द गाँव पड़ता है लवेदी थाने में, और उन्होंने बताया कि ये जो शराब है ये आगरा से लद करके जो है मुजफ्फरपुर जा रही थी, और इसमें जो बिल्टी मिली है वो बिल्टी जो है आगरा से गौहाटी की मिली हुई है, और उसमें दिखाया गया है कि क्राकरी लदी हुई है, और क्राकरी लदी भी है, और उसके बीच में 203 पेटी शराब की जो पेटियां हैं ये पकड़ी जाती हैं। इसमें अभिन्न प्रकार की एम्पेरियर ब्लू और मैग्नोल इस प्रकार की शराब जो है उसमें पकड़ी।